जैन दोस्तों, स्वागत है उसी का एक और नए वीडियो में। एंड दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सारे ही आईफोन्स के बैटरी के कॉस्ट यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आपको तो ये पता ही है, आईफोन्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं एंड लगभग 80% तक आईफोन इंडिया में ईएमआई पे लिए जाते हैं, वो भी काफ़ी हद तक सोफी करने के लिए। तो फिर अगर यहाँ पे काफ़ी कंडीशंस में यहाँ पे बैटरी हेल्थ आईफोन्स के काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं, उसके लिए जो है आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे बैटरी को अपडेट करना पड़ता है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे 98% था, अगर मेरे आप रेगुलर यूज़र हो तो फिर अगर अब आप यहाँ पे देखोगे तो फिर मेरा 97% हो गया है। तो फिर लगभग 7 महीने में जो है यहाँ पे 3% का ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि ज़्यादा यहाँ पे बुरा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे सिर्फ 4% तक ड्रॉप होता है एक साल में, लेकिन मेरा अभी 3% अभी ड्रॉप हो गया है। क्योंकि हीटिंग के वजह से मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे केयर लेता हूँ, तब भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो है कैपेसिटी डे टू डे डाउन होता रहता है। सो फिर मैं यहाँ पे अगर रिपेयर करने के लिए जाता हूँ तो फिर मेरा जो है बैटरी फ्री में रिप्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी भी अंडर वारंटी में है। लेकिन अगर आपका वारंटी ख़त्म हो गया है तो फिर उसका जो है मैं डिटेल अभी बताता हूँ, किस मॉडल का कितना कुछ प्राइस यहाँ पे चार्ज करता है एप्पल। सिंपली मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्रोम यहाँ पे सफारी से निकाला है इसका। यहाँ पे सिंपली बैटरी रिप्लेसमेंट पे जाके यहाँ पे मैं जब देखता हूँ एस्टिमेट कॉस्ट एस्टिमेट देखता हूँ यहाँ पे जो है एक ओवरऑल आपको कितना कुछ कॉस्ट आ जाएगा। सिंपली मैं अपने आईफोन 14 प्लस का ही देखता हूँ। 14 प्लस का यहाँ पे देखने के लिए सिंपली आपको सीरीज को सिलेक्ट करना है, देन मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे 9800 के आसपास यहाँ पे जो है मुझे जो है सर्विस कॉस्ट देखने को मिल जाएगा इसके आसपास यहाँ पे। ठीक है, अगर एप्पल केयर प्लस प्लान लिया हुआ है तो फिर मेरा जो है बैटरी फ्री में ही रिप्लेस हो जाएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर मैं आईफोन SE का बात करूँ तो फिर आईफोन SE सेकेंड जनरेशन का यहाँ पे आपको 6800 का टोटल ऑलमोस्ट रिपेयर हाइस्ट यहाँ पे जाता है इसका बैटरी का प्राइस। एंड यहाँ पे अगर आप आईफोन 13 जो कि काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है अभी भी, सो यहाँ पे इसका भी है 8800। एंड लास्टली आईफोन 7 की अगर बात करूँ सबसे यहाँ पे लिस्ट में पुराना वाला, सो यहाँ पे जो है इसका भी 6800 का यहाँ पे जाता है। सिंपली मैं इस वाले जो है वेबसाइट का यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो जिस भी मॉडल का चाहो चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ समर के टाइम पे आप जो है अपने फ़ोन को बहुत ही यहाँ पे सावधान से यूज़ करना, क्योंकि मेरा जो है 17.5.1 पे जो है जब मैंने डाउनग्रेड अपडेट किया था तब जो है तब तक 98% था, सुबह भी 98% ही था, अभी बस यहाँ पे वीडियो बनाते टाइम 97 हो चुका है या फिर अपडेट करने के बाद ही हुआ है, आई थिंक मैंने देखा नहीं था। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपको सावधान बरतने की ज़रूरत है, आपको जो है काफ़ी ध्यान से यूज़ करना है अपने फ़ोन को, हीटिंग बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर यहाँ पे आईफोन ज़्यादा ही हीट हो रहा है, अगर घर में एंड्रॉयड फ़ोन पड़ा हुआ है तो मैं यह यही सजेस्ट कर दूंगा आप एंड्रॉयड सा कोई भी यूज़ कर लो, क्योंकि इतना हीटिंग में जो है आईफोन सर्वाइव नहीं कर पाता है लिटरली यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट इस टाइप के मिलते रहे। बाय बाय।